आज जो जलंधर में नतीजे आए हैं वो इस बात का प्रमाण है कि पंजाब की जनता आज भी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी के कामों पर भरोसा करती है। जो विशाल बहुमत मिला है ये इस बात का संकेत है कि पंजाब में जो काम हो रहा है वो जनता उसकी सराहना कर रही है, उसको अप्रिशिएट करती है। दो तीन महत्वपूर्ण राजनीतिक इससे इन्फेरेंसेस निकलते हैं। सबसे पहला कि ये जो आजकल राजनीति चल रही है कि पैसे से या पावर से या किसी भी प्रकार के प्रभाव से एक पार्टी से चुनने के बाद दूसरी पार्टी में चले जाना, और ये जो गंदी राजनीति की जो श्रृंखला चल रही है इसमें उन सभी लोगों को ये संदेश है कि ऐसे मत करो। जनता कभी भी गद्दारों को इस तरीके से, जो जनता के मतों के साथ गद्दारी करेगा उसको जनता दोबारा प्यार नहीं देगी, अपना आशीर्वाद नहीं देगी। तो मेरा बड़े उदार दिल से, उदार मन से उन सबको ये सलाह है जो भी आज के समय में इस राजनीतिक परिस्थिति का को फ़ायदा उठाने की सोचते हैं कि यहाँ चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ये चलता नहीं है, ये बड़ा क्षणिक होता है। ऐसे एक क्षणिक सुख के लिए आप अपनी राजनीतिक करियर बर्बाद मत करिए। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंस ये है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस देश ने, देश के इतिहास और संस्कृति को अगर आप उठाकर देखेंगे तो कोई भी गद्दार या कोई भी ऐसा पक्ष या पार्टी द्वेष, गुंडागर्दी, तानाशाही, इन हथियारों का जब भी उपयोग किया है वो ज़्यादा समय तक चला नहीं है, वो जनता उसको ज़्यादा समय तक चलने नहीं देती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज भी समय है कि वो इस बात को समझे कि ऐसी राजनीति से वो बाहर आए। उनमें भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनके अच्छे लोग हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी तो उनमें मुझे याद है आडवाणी जी, अटल जी, सुराज, स्वराज, ये सारी बात करते थे। आज ये इनकी सारी बातें आप देखोगे तो गुंडागर्दी, इसको तोड़ लो, उसको चोरी कर लो, उसको, अरे भाई चोरी चकारी से बाहर निकलो ना, चोरी चकारी तोड़ फोड़ ये छोटी राजनीति हो गई। आप पूरे विशाल महान देश का नेतृत्व कर रहे हो, जब इतने विशाल और महान देश का आप नेतृत्व कर रहे हो तो अपने सोच में परिवर्तन आपको लाना ही पड़ेगा। सवाल एक विधानसभा चुनाव, एक सीट का, हार का, जीत का नहीं है, सवाल प्रश्न बड़ा है, प्रश्न देश का है। कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को हर न्यायालय में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इस कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, शराब घोटाला हुआ नहीं है, किसी का कोई दोष नहीं है, जबरदस्ती तरीके से जेल में रखा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि आप जबरदस्ती तरीके से केजरीवाल को जेल में रख लोगे और इस तरीके से चुनाव हरा दोगे? आपको क्या लगता है कि आप पैसे के प्रलोभन से, ताकत से, गुंडागर्दी से हमारे नेताओं को ले लोगे? और तो जनता कभी पसंद नहीं करती ये सारी चीजों को, जनता देखते रहती है। जब उसको मौका मिलता है तब उसको फिर उत्तर देती है कि ये जो तुम कर रहे थे वो गलत है। जैसे 400 सीट से इनको 240 पे ले आए, आज मेरा इनसे इनको सुझाव है, मैं बड़ा छोटा और साधारण ऑर्डिनरी आदमी हूँ लेकिन मुझे इस देश से बहुत प्यार है, मुझे बहुत प्यार है इस देश से। हम सबको, हमारी पार्टी का जन्म ही इसी आधार पर हुआ था कि ऐसी राजनीति भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए और भाजपा के सभी नेताओं को बैठना चाहिए और उनको बैठ के ये तय करना चाहिए कि ये जो दो लोग उस भाजपा को बर्बाद कर रहे हैं उनको अपनी पार्टी को बचाना चाहिए। जब उनकी पार्टी बचेगी तब पॉलिटिकल राजनीतिक परिदृश्य बचेगा, राजनीतिक परिदृश्य बचेगा तब देश बचेगा। तो जलंधर का नतीजा और 13 सीटों पर मेरे ख्याल से चुनाव हुए थे जिसमें से लगभग 12 सीटों पर इंडिया अलायंस जीती है, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जनता बहुत उदार दिल की है। यहाँ प्यार से आप जीत सकते हो, गुंडागर्दी और दादागिरी का सिर्फ अंत, नियति खात्मा ही है। जो बात आप गुंडागर्दी की कर रहे हैं यही वजह है 13 में से एक आना। मेरे ख्याल से कई सारे कारण होते हैं राजनीति में, लेकिन मोटा मोटा जो नजरिया जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि तानाशाही और गुंडागर्दी जनता कभी पसंद नहीं करती।